दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस महीने में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीरियसली ट्रू में। Seriously True, powered by Seriously Strange। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक बातें, आश्चर्यजनक और अद्भुत रहस्य। कुछ ऐसी बातें जो आपको सच लगती हैं लेकिन होती हैं झूठ, और कुछ ऐसे झूठ जिन्हें हमारा दिल सच मानने को तैयार नहीं होता। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस महीने में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें सीरियसली ट्रू को और क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जानिए कि किस महीने में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रीलिंग पुराण के अनुसार बैसाख के महीने में वज्र यानी कि हीरे से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रीलिंग पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में मरकत यानी कि पन्ने से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में मोती से बने शिवलिंग की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में नीलमणि यानी कि नीलम से बने शिवलिंग की पूजा करें तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भादो में पद्मराग यानी कि पुखराज से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ऐसा श्रीलिंग पुराण में लिखा है। अश्विन यानी कि कारम मास में गोमेद से निर्मित शिवलिंग की पूजा से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। श्रीलिंग पुराण के अनुसार कार्तिक मास में प्रवाल यानी कि मूंगे से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में वैद्यूर्य मणि यानी कि लहसुनिया से निर्मित शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। पौष के महीने में पुष्प राग यानी कि नीले रंग के पुखराज से बने शिवलिंग की पूजा शुभ फलदायक मानी गई है। श्रीलिंग पुराण के अनुसार माघ मास में सूर्यकांत मणि यानी कि माणिक से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और अंत में दोस्तों, फागुन के महीने में स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा से सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए सीरियसली ट्रू के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।